अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नूर अब्दुल्ला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट साकिब हसन। वेलकम टू माय अदर व्लॉग। अच्छा जी, अभी का सीन है, एक जगह पे जा रहा हूं। जगह का मैं आज आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मैं कहां जा रहा हूं, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। बस उनको मैं गाड़ी में ढकूँगा मुर्गियों की तरह, और बस जब पहुँचेंगे तो पता लगेगा। हाँ, इन द मीन वाइल हम आपस में गप्पे शप्पे मारते हुए जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ओके जी, ये है मेरा एक दोस्त, इसका नाम है शेख फारूक इकबाल, शेख होते हैं ये, ठीक है। तो इसको पिक कर लिया हुआ है, अभी दो और दोस्तों को पिक करने के लिए मैं जा रहा हूँ। एक हैं जाहिर साहब और एक हैं वकास साहब, जानते हैं आप होंगे क्योंकि पहले भी उनकी काफ़ी सारी इश्तियारी वीडियोज़ मैंने चढ़ाई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। ओके जी, पिक कर लिया हमने किसको जी, ये वकास साहब हैं, वो पीछे शेख साहब चले गए, ये कुची कुची कुची, और ये हमारे पीछे हैं जाहिर साहब, ये कुची कुची कुची। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, एक जगह जा रहे हैं जो इनको भी नहीं पता कि मैं इनको कहाँ लेके जा रहा हूँ। पहुँचेंगे तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये कौन सी जगह है। इस्लामाबाद से मेरे घर से ये जो जगह है तकरीबन 44 किलोमीटर बनता है या 47 बनता है, तीन एक की ऑप्शन ऊपर नीचे रखे, 50 कर लो यार। मगर है बड़े मज़े की जगह, खाने पीने की जगह है, ढाबा, मगर आउट क्लास है। तो अभी पहुँचने के बाद आपको हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके जी, अब हम जो है पहुँच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जगह है बेसिकली ये है इस्लामाबाद से खानपुर तकरीबन 44 किलोमीटर है, और ये है ढाबा हाजी समर खान का, और इनकी जो मछली है, जो फ़िश है, वो बहुत अच्छी होती है। वो आपको पीछे देखें मछली नज़र आ रही होगी मेरे पीछे, तो इनका जो ये पट्टा मछली है बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। तो इनकी वो कुकिंग वाली भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, इनका बनाने का तरीका भी आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बनी हुई भी दिखाता हूँ, और हम दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। जगह तो बहुत अच्छी है भाई, देखते हैं टेस्ट करते हैं। हाँ जी, ज़रा मछली दिखाना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी इधर आ, हाँ उसमें भी है। ताज़ा मछली डैम, ये छोटी वाली, अच्छा तो कांटे वाले, हाँ सही हो गया। Thank you.
ये एक्सपर्ट बच्चा लगा है जी बीच में कानपुर डैम से कितनी आगे है ये कानपुर डैम से थोड़ा एक मिनट पहले कानपुर डैम से एक मिनट डेढ़ मिनट पहले बाजार हाजी समर खान मछली फरोश ओके जी हाजी समर खान के ढाबे में आ देना मैं हूँ जाहिद है साथ ये वकास है और ये फारूक साहब हैं इनको आप अच्छे से निशानदेही कर लें ये सब इश्तेहारी और मेरे साथ एक कस्टमर हैं मैं भी इश्तेहारी सारे खाने के शौकीन हैं और हम यहाँ मछली खाने के लिए आए हैं अभी बाकी जब ये तैयार हो जाए हमारे में जो सबसे ज़्यादा खाने का शौकीन है वो जाहिद भाई हैं जाहिद भाई जो है जब खाने के लिए बैठते हैं हमारी भी बस हो जाती है और एक देखने में लगते नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत आई है माशाल्लाह एक और खाने वाले भी मौजूद हैं जिनका कंपार्टमेंट बेल्ट डीली करने के बाद निचले वाला कंपार्टमेंट खुलता है और थोड़ी सी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है ये अब कहावत आपने सुनी होगी ऊँट के बारे में ऊँट जो है वो अपनी दुकान में जो है वो अपनी पानी और फैट स्टोर कर लेते हैं और काफ़ी दिनों तक उसको यूटिलाइज करता है रेगिस्तान शेख साहब की वो खासियत है ये भी यही काम करते हैं इन्होंने कहा पहले फ़ोन कर दिया कि अगले 4-5 दिन मेरे लिए कुछ डब गाइएगा और 2 दिन से ये भूखा भी है भाई जान सुबह नाश्ता मैंने हलवा पूरी के टिका के पिज्ज़ा खा के आया हूँ ये मैं वैसे इन्होंने ये आप हमें बताएंगे ये हमारे भाई शेर हैं इंशाल्लाह क्या आप लोग इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि इसने हलवा पूरी भी और पिज़्ज़ा भी खाया होगा चले ये हम उनके ऊपर जो है ना कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे ठीक हो मैंने
अब बैठने का हो ना दोपहर को चार पांच बंदे हम लोग जब बैठते हैं दो तीन दर्जन तो वैसे ही नॉर्मल रूटीन में पता चल जाता है। बहुत दिन में शेर लेना दर्जन लाते ही आधा किलो या आधा दर्जन लाता होगा कहता होगा ये भी लाते ही नहीं है बैठ गए जी दस्तरखान पे और नीचे वाला कंपार्टमेंट आप अपना कब हल्का करने वाले जब आ जाएगा तब क्यों जाहिद ये इसकी इनिंग ज़्यादा अच्छी है या तेरी ज़्यादा अच्छी है अच्छा फैसला जो है ना ये वकास करेगा नहीं देखो आप हम में सबसे पढ़े लिखे माशाल्लाह से वाह भाई वाह बड़े भी हैं वाह भाई वाह मौजूद जी वाह भाई वाह ठीक है ना तो आपने बताना है इन दोनों में से इनिंग्स कौन अच्छी खेल सकती खाने की है फुल वीडियो बना देखते हैं कौन ज़्यादा खाता है ठीक है जी टाइम लैप्स कोशिश करते हैं जी ना के रख दिए गए हैं सैलड है और ये बेहतरीन सी सिरके वाली चटनी है ठीक है से मिर्चें चिटे डली हैं इसका मतलब है कि मछली नेड़े और ये मछली आ चुकी है वकास पकड़ गिरने लगी ये आ गई है जी मछली अब हम इनिंग्स खेलना शुरू करेंगे टिश्यू रख हमारा चाट मसाला भी ओके ओके खान जी ने पानी ला के पहले रख दिया है उन्हें पता है प्यास लगने वाली है प्यासों को चलो जी शुरू करो देखे नीचे हो से नीचे हो इधर मुझे दे तो खैर मैं यहाँ से फोटो में निकालूँगा अच्छा ओके जी मच्छी खा की थी सारे इस बंदे ने सबसे ज़्यादा खाया है हाँ मैं मजीद खाएगा मैं जगह बता दो जनाब आप ये खानपुर डैम से तकरीबन आप समझ रहे हैं एक दो किलोमीटर पहले होगी अगर आप कचला से आ रहे हैं तो आपके राइट साइड से आती है ESO का पेट्रोल पम्प है उसके बिल्कुल सामने नाम है जी हाजी समर खान मछली बड़ी बेहतरीन बहुत मज़ा जायकेदार बारबेक्यू गर्म गर्म लजीज बहुत भाई साहब आप कुछ कहेंगे इस मछली का टेस्ट बाकी बहुत डिफरेंट था बहुत इंजॉय और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगेन दोबारा तुसी कुछ कैसो या शेख अपनी अपनी वेख बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मज़ा आया फ्रेश फिश मैं तो पहले भी आ चुका हूँ और मैं दोस्तों के साथ आया हूँ इनको मछली खिलाने अब ये है कि सीन मछली वाकई इनकी टेस्टी है फ्राई फिश हमने इनकी कभी ट्राई नहीं की नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो भी ट्राई करेंगे बट ये है कि इनकी जो बारबेक्यू है फिश वो आउट क्लास है मज़ा आता है खाने का
कावा आ गया जी। ये चीज हाजी वकास साहब, हाजी समर खान साहब के डेरे पे हाजी साकिब साहब को कावा बना के बेचते हुए, कावा बेचते हुए 50 रुपए किलो 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 ले लो किलो। ये हमारे पास हाजी फरुख इकबाल साहब हैं, इनकी कैपेसिटी फुल हो गई है, इन्होंने एक कप पिया कावे का, अभी बस हो गए, तो बाकी ये माल पड़ा, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये आ गया है कहवा मछली, और उसके बाद आप कहवा ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। ये शक्कर वाला कहवा है, गुड़ वाला, शक्कर वाला, गुड़ वाला, गुड़ वाला कहवा। अस्सलामुअलैकुम, मैंने अदर रिव्यू के साथ ये वही सेम चीज़ है जिसका रिव्यू हमने पहले उसमें किया। बड़ी लाइट वेट सी है, छोटी सी है, इसको कहते हैं, इसका नाम है एमरजेंसी फ्लेयर स्टिक, इसको कहते हैं एमरजेंसी फ्लेयर स्टिक, ठीक है। ये इन केस ऑफ एमरजेंसी आपके काम आती है। तो अभी हम इस टाइम पर मौजूद हैं हाजी समर खान का मछली फरोज के पास, और खाना शाना हमने खा लिया, तो इसको हम पहले हमने एक दिन सब से टेस्ट किया था, बट कुछ इन्वायरमेंटल इशू की वजह से गाँव में दुशारी थी, तो एक हम पीस और लेकर आए, जिसको हम यहीं पर अभी लगा कर चेक कर लेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे, बल्कि 2-3 मिनट ही टाइम से ज़्यादा लेती है, बाकी चलें अभी हम पता करें। ये शेख साहब हैं, शेख साहब ये पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, इसने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ही देखी हुई है क्या चीज़, तो चलें जी हम इसको एक दफ़ा चला कर देखते हैं, उस पर टाइम भी देखिए नोट करेंगे कि ये कितनी देर चलती है। ये शेख साहब आप होल्ड करें, ये तो जिस तरह से है बड़ी ईजी चीज़ है, वैसे तो होता ही है कि आप इसके पीछे सैंडल को यूँ लगा लेते हैं, और ये जब यूँ करते हैं तो ये आप सिग्नल के लिए एक्सेप्ट किए गए, मगर हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हम इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें। शेख साहब आप ये पकड़िए और ये देखेंगे, थोड़ा सा वकास पीछे में, इसको हम इस तरीके से यूँ करेंगे, इसको भी सर्दी लगती है, और ये इस तरीके से चलता है ना शेख साहब, पीछे हो जा, इसका टाइम नोट कर 40।
ओके जी, अब हम हाजी समर खान के डेरे को अलविदा कहने लगे हैं। खाना छाना खा के दासा और हम चल पड़े हैं यहाँ से।